चलिए आज कूसा की सब्ज़ी बनाते हैं। ये मिडल ईस्ट में बहुत फेमस है। ये मिडल ईस्ट की जुकनी बोलते हैं इसको। इंडियन मसालों में बनाएंगे इसको। प्याज ले लेंगे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर एक, आलू और हरा धनिया मसाले। चलिए मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए अपना कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लीजिए और जो हमारे कूसा हैं इनको सोते करेंगे हम। अरब्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और इसको हम थोड़ा बनाएंगे इंडियन स्टाइल में। इसको सोते करेंगे और इसमें हम आलू भी डाल देंगे। आलू को भी हम सोते करेंगे। आप कैसे भी शेप्स में काट सकते हैं, आप छोटे पीस भी काट सकते हैं और आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग टिंडे बनाते हैं, आप भरवा भरवा इसको भी बना सकते हैं। जैसे भरवा टिंडे बनाते हैं हम, बड़े बड़े कूसा को भी आप वैसे ही बना सकते हैं। बढ़िया, थोड़ा मैं बहुत ही बढ़िया चटपटे स्टाइल में बना रहा हूँ। आप इसको ऐसे ही बनाना, आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे तो ये भी जैसे आपका सोयाबीन्स होते हैं वो आपके एकदम ब्लेंड होते हैं, उनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसे ही ये भी है। इसको आप कैसा भी टेस्ट दे सकते हैं। इसको बढ़िया हम इंडियन स्पाइसेस के साथ टेस्ट देंगे। इसको हम सोते कर लेंगे हल्का सा और। चलिए हमारे सोते हो गए हैं, अब इनको हटा लेंगे हम और अपने मसाला रेडी करते हैं हम। चलिए मैंने सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। बढ़िया छोंक लगाते हैं इसके अंदर। एक तेज पत्ता डाल देंगे, कुछ खड़े मसाले, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी चम्मच जीरा। एक छोटी चम्मच डाल देंगे हींग, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। हो गया हमारा जीरा और हींग हो गया है। इसमें डाल देंगे प्याज अब, अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन और अदरक, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। पका लेंगे अच्छी तरह। मसाला हमारा भुन गया है, प्याज, लहसुन, अदरक, कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटोज, टमाटर डाल दीजिए। इसको पकाएंगे और इसमें अब डाल देंगे 1 चम्मच सॉल्ट, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। अब आप ये अपने खड़े मसाले निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है तो। हमें फ्लेवर के लिए चाहिए होता है, फ्लेवर आ गया है। एक बोल ले लीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए उसमें हल्दी। दो चम्मच डाल दो इसमें धनिया पाउडर। एक चम्मच जीरा पाउडर। और 1 चम्मच गरम मसाला। इसमें डाल दीजिए पानी और इसको कर लीजिए अच्छी तरह मिक्स। इससे क्या होएगा, मसाले हमारे पानी में घुल जाएंगे, बढ़िया खुल जाएंगे।
हम मसाले का घोल इसमें डाल देंगे हम अपने टमाटर प्याज के साथ में, और इसको पकाएंगे अच्छी तरह इसके साथ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मसाला हमारा बहुत बढ़िया भुन गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। मसाला हमारा पक गया है, जो हमने सोते करे थे कूसा और आलू, इसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको बढ़िया मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे हम आधा गिलास पानी, आधा गिलास पानी डाल देंगे। और इसको मंदी गैस पे हम थोड़ी देर पकने देंगे। इसमें एक चम्मच हम डाल देंगे जाकर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, ये अरेबिक मसाला है। और ये देखिए पकना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा देर और लगेगा इसमें। पानी सूख गया है और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट, मज़ा आ जाएगा खाने में आपको। अब इसके ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया। ऐसे ही इसको बनाना और आप इसे खाना ज़रूर बना के, ऐसे मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ये आपकी सब्जी रेडी है, खाइए और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।